अगर रियल लाइफ की महिला फाइटर दीपिका पादुकोण से फुर्सत मिल गई हो तो रियल लाइफ की महिला पायलट के बारे में भी जान लीजिए जिन्होंने साड़ी पहनकर विमान उड़ाया था। क्या महिला पायलट साड़ी पहनकर विमान उड़ा सकती हैं? तो इस टॉपिक पर सबका जवाब एक ही जैसा हो सकता है, नहीं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के जमाने में एक भारतीय महिला जो कि साड़ी पहनकर जहाज न उड़ा पाने के मेथड को पेश कर चुकी है। इनका नाम है सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट जिन्होंने साड़ी पहनकर विमान उड़ाने का गौरव हासिल किया था। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 में ब्रिटिश भारत में हुआ था। 16 साल की उम्र में उनका विवाह पीटी शर्मा के साथ हो गया था। शर्मा जी कराची से लाहौर तक उड़ान भरने वाले देश के पहले एयर मेल पायलट। सरला जी के पति के अलावा उनके ससुराल में कुल 9 लोग पायलट थे जो सरला जी को खूब सपोर्ट करते थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने एविएशन पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। इतना ही नहीं, 4 साल की बेटी होने के बावजूद उन्होंने मौत एयरक्राफ्ट अकेले ही उड़ाया था। लाहौर फ्लाइंग क्लब के एयरक्राफ्ट में उन्होंने शुरुआती लाइसेंस के दम पर 1000 घंटे तक का फ्लाइंग अनुभव कमाया था। 1939 में एक प्लेन क्रैश में उनके पति पीटी शर्मा जी की डेथ हो गई थी। भारत पाक बंटवारे के समय वो अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली भारत आ गई थी और आरपी ठकराल से उन्होंने शादी कर ली थी और 2008 में सरला जी की डेथ हो गई थी। सरला जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।